फट के चार हो गए भैया। इतना है कि ये है कि यहाँ मैंने अपने साथ के बंदे को उतार दिया, मैं ऋतिक तू चल पैदल पैदल, मैं आ रहा हूँ अकेले। किसान भाई कैसा रहा आज का ऑफ रोडिंग? बहुत बढ़िया रही यार। अच्छा जी, मजा आया और गिरते गिरते बचा मैं। कोई सजेशन देना चाहोगे नए जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं? टायर अच्छे रखना वरना पंचर हो जाएगा। टायर अच्छे होने चाहिए और टांगों में दम होना चाहिए। टांगों में दम होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, आज का दिन है संडे और आज हम लोग जा रहे हैं संडे राइड पे और अपने साथ भाई और सो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हंस का भी कॉल अभी आ रहा था, उनसे बात करते हैं। अगुरु भाई आज हम लोग जा रहे हैं लियोपार्ड हिल घूमने के लिए जो कि गुड़गांव में ही गुड़गांव से थोड़ा सा आगे की तरफ है। हाँ। भाई लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारी है, देखो बहुत पकड़ी है, फुल एडवेंचर होने वाला है आज तो, बस मजा आने वाला है। बस यहाँ से निकलते हैं, अपनी और शान भाई की बाइक रेडी है तो फटाफट निकलते हैं और फिर आपको आगे मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं एक लिया हूँ शॉर्ट ब्रेक बिकॉज शान भाई अपना पेट्रोल फिलिंग करा रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं बाइक में। तो गाइस कुछ नज़ारा इस तरीके का है। चलो शान भाई और हम लोग स्पीड रखते हैं 75 का, 75 का और आराम आराम चलेंगे, ठीक है। सो भाई लोग अब हम लोग चलते हैं यहाँ से वी आर जी एफ आर रोड और भाई सब कुछ रेडी है, अपना शान भाई भी रेडी है ना, मस्त KTM ले करके अपना नया नया GoPro खरीद रहा है शान भाई का। और शान भाई का ये बाइक है, इन्होंने लोकेशन लगा लिया है, वी आर गोइंग टू लियोपार्ड ट्रायल हिल। ओके जी, सूर्य देवता का दर्शन कर लो। सो गाइस यहाँ पे निकल चुके हैं सूर्य देवता, इनके दर्शन कर लो। ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः। बस अच्छी से राइड करा देना। सो गाइस बेसिकली अगर आपको ट्रायल लियोपार्ड हिल जाना है सो आप दिल्ली के डिफरेंट लोकेशन से भी जा सकते हैं। एंड मी एंड शान भाई वी आर कमिंग फ्रॉम बेसिकली साउथ दिल्ली। सो एज पर द डिस्टेंस गाइज आई कैन से इज 30-35 किलोमीटर एज पर गूगल। सो ऑलमोस्ट वी कवर्ड 7-8 किलोमीटर्स, और भी कुछ किलोमीटर्स बचे हैं जो कि बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। आई थिंक हाफ एन आवर में कवर हो जाएगा गाइज, इट्स नॉट टू मच फार। तो सामने बता रहा है कि इनका अगली वाली टायर में शायद थोड़ी एयर प्रेशर कम हो रही है। मैं भी अपने पीछे वाले टायर में थोड़ा एयर प्रेशर चेक करा था बट अब कुछ बंद है, अभी कहीं और ट्राई करते हैं। मेरा तो चल जाएगा बट शान भाई का मुझे ऐसा देखने से लग रहा है कि एयर प्रेशर कुछ ज़्यादा ही कम है। बट यस, आगे बहुत सारे पेट्रोल पम्प मिलेंगे सो विल सी, अगर पंप पे मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर ऐसे बाहर भी कहीं शॉप मिल जाता है ऐसे पंचर बनाने वाले या फिर एयर प्रेशर चेक करने वाले वेरी गुड, अच्छी बात है। सारे ही बंदे गाइस, सारे ही बंदे, यहाँ भी बंदे, यहाँ भी बंदे यार, मतलब सारे पंप पे, मतलब पंचर की दुकान, एयर प्रेशर सारे कुछ बंद रखे हैं भाई, क्या बात है। मुझे लगता है 9 o'clock के बाद ही ओपन होगा, नॉट बिफोर दैट। अगर आपका एयर प्रेशर कम है सो ये रोड कहीं ना कहीं टायर को हट करती है, एलॉय को भी हट कर सकती है अगर ज़्यादा कम है तो। सो बस कहीं मिल जाए फटाफट, और मुझे लगता है यार कि ज़्यादा समय तो मिलने वाला है क्योंकि 9 o'clock से पहले तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, बट लेट्स सी। ज़्यादा कम है क्या? ओके, कितना किलोमीटर दिखा रहा है? 10 किलोमीटर्स। सो गाइस 10 किलोमीटर बचे हैं राइड के और आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। शान भाई ने एक अच्छी गुड न्यूज़ दी कि चलो यार उतना ज़्यादा या प्रेशर कम नहीं है, इज़ ओके। सो अच्छा लगता है यार, अपने साथ कोई राइडर अगर कोई इशूज़ नहीं है और देर इज़ ओके, अच्छा लगता है।
ये प्रॉब्लम है, अपने शान भाई के पास मैप है और मैं रेड सिग्नल पे फंस गया, शान भाई आगे चले गए, बट कोई नहीं, आई विल ट्राई सम मोर स्पीड टू कैच हिम। एंड रोड भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, सो ज़्यादा दूर तो निकले नहीं होंगे, बट ऑफकोर्स लेफ्ट राइट टर्न लेने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो फिर मुझे भी अपना ओके सो इज गोइंग देयर विल मैनेज। बोला पीछे अपनी टीम है लगता है, नहीं नहीं एक एक कोई और है, मुझे लगा कि आंसर हो गया। अच्छा ओके सो गाइस एज पर सान भाई यहाँ से अपना ट्रायल लियोपार्ड हिल का रास्ता स्टार्ट हो चुका है। वेलकम टू न्यू वर्ल्ड ऑफ हिल्स, सो यू टू फॉलो दिस मेन रोड। वाओ सी सी द कर्विंग गाइस, ऑसम। सो गाइस यहाँ पे तो बाइक 20-25 से ज़्यादा नहीं चलने वाली है, क्योंकि आपको देख रहे हो गाइस मतलब एकदम से ऐसा टर्न है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है आगे। तो वी आर वेटिंग फॉर ग्रुप गाइस, सो ये यहाँ पे लोकेशन है, आई थिंक यहाँ कैफे पे भी है। सो हम यहाँ पे चाय ले रहे हैं और थोड़ी स्नैक्स लेते हैं। सो गाइस पहले पहुँचने का ये फ़ायदा है कि हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे चाय, और गाइस कुल्हड़ वाली चाय और यहाँ पे पंजाबी तड़का वाली स्नैक्स और कुछ नज़ारा कुछ इस तरीके का है। वाओ भाई सामने आपको हाइट पे वो दिख रहा होगा, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। यस और वहीं से मतलब ऑफरोडिंग करके हम लोग भी अभी ऊपर जाएंगे। हाँ ये सामने वहाँ पे बंदे टॉप पे दिख रहे होंगे और अभी हम लोग भी वहीं पे ऑफरोडिंग करने जा रहे हैं, बाइक से जाएंगे है ना, और भी बंदे वहाँ पे राइड कर रहे हैं, ये राइड कर रहे हैं वहाँ पे कुछ बंदे। सो गाइस मैं और शान भाई अपने ग्रुप के बंदों का वेट कर रहे हैं, अभी तक उनका पता नहीं है, और हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं चाय एंड स्नैक्स। जल्दी आने का इससे बड़ा फायदा है कि आप आराम से रिलैक्स रहोगे, चाय वाय पियोगे, तब तक बंदे आएंगे तो फिर आराम से करते हैं फिर ऑफ रोडिंग। चाय कैसी बनी है? चाय ठीक है, 10 में से 7। ओके सो 10 में से 7 चाय पिया जाए। सो भाई नॉर्थ राइडर का वेट हो रहा था यहाँ पे और हंस भाई का आगमन हो रहा है। तो भाई अब जिनका वेट हो रहा था वो आ चुके हैं और भी बंदे आ रहे हैं। सो गाइस वी आर ऑल सेट एंड अभी हम लोग चलने वाले हैं, यहाँ से ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। रेडी हो ऑफ रोडिंग के लिए? बिल्कुल भाई रेडी हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। रेडी चलने की देर है, तो भाई ग्रुप में 15-20 बंदे आ गए, बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत सारे बंदे आ गए हैं, तो मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। और भाई यहाँ पे मतलब इतनी सारी क्राउड है, मजा आ रहा है। स्पीकर बंद कर दो, नहीं आवाज हाँ कॉपी आ जाएगा। चलो 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 सो गाइस बहुत मजा आने वाला है गाइस। ओ एम जी
वन रूम में रखो, एक ही रूम में रख रहा हूँ। गाइस आज मोर देन 20 राइडर्स दे हैव जॉइंड हियर फॉर दिस ऑफ रोडिंग एंड हम ये भाई 360 से शॉट ले रहे हैं। ओ भाई मेरे गजब की ऑफ रोडिंग है यार। ओ एम जी सारे अपने राइडर्स है यार, देख लो भाई ऑफ रोडिंग आज एक्सट्रीम हो रही है। ऑफ रोड पे ऑफ रोडिंग हो रही है ना, आज हिल पे ऑफ रोडिंग हो रही है। गजब की ऑफ रोडिंग है और गजब की ऑफ रोडिंग है, ऑसम। बस किसी के भाई टायर ना पंचर हो जाए यार, क्या ऑफ रोडिंग है। नीचे से आने के बाद ना हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक लिया है और सोच रहे थे कि यहीं पे क्लोज करते हैं, आगे नहीं चलते हैं, बट हुआ कि नहीं एक बार और ऊपर चलते हैं जो एक्सट्रीम हाइट पे होगा वहाँ पे चलते हैं और बाकी मैं दिखाता हूँ यहाँ से नज़ारे कैसे हैं। गाइज क्या नज़ारा है, मतलब एक सामने वाला जो पहला ये है पहाड़ है वो थोड़ी गिरनी दिख रही है, उससे पीछे वाली हल्की काली दिख रही है, उससे पीछे वाली व्हाइट दिख रही है। मतलब और थोड़ी ठंड में ऐसे हो जाएगा ना गाइस कि सारे पहाड़ ना बादल बादल ही दिखेंगे, बादल पहाड़ दिखेगा नहीं फिर। और ये सब सारे बंदे गाइस हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्रेक लिया हुआ है यहाँ पे नीचे से आने के बाद। सो गाइस हम लोग वो सामने टपरी दिख रही है चाय वाली, दिखाता हूँ जूम करके, इधर सामने वहाँ पे दिख रही है चाय वाली टपरी, यहाँ पे हमने चाय पी और चाय पी में उसे साइड से लग के ऐसे देखो यहाँ पे ऐसे यहीं पे ऑफ रोडिंग हो रही थी, बाइक सारी गिर रही थी ऑफ रोडिंग हो रही थी। यहाँ से गाइस हम लोग ऐसे घूम करके इधर ऐसे आ गए यहाँ पे और यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लिया है और यहाँ से और भी ऊपर चल रहा है। चलो फिर आगे दिखाते हैं। तो गाइस अगर आप एक व्लॉगर हो तो भाई ध्यान रखना बाइक से मत उतरना ऑफ रोड पे सिनेमैटिक और शॉर्ट्स के चक्कर में। हम दोनों उतर के अब वो तो पहुंच गए बहुत आगे, इधर देख सकते हो वो देखो वहाँ पहुंच गए और हमें चलना पड़ रहा पैदल। हमारी तो ऑफ रोड वैसे ही हो रही। भाई कैसा लग रहा है? भाई बहुत बुरा लग रहा है, टांगों में जबरदस्त दर्द हो रहा है। और अभी मिलवाता हूँ सबसे जो
भाई अभी यहीं पे हम लोग क्लोज करने वाले हैं, मतलब यहीं पे हम लोग अब बाइक लगा रहे हैं और फिर बातचीत करते हैं। और बिकॉज ये रास्ता आगे भी जा रहा है, आई थिंक सेम ट्रैक है, सो देर इज़ नो कुछ अलग, कुछ नया नहीं है। सो हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं, सारी बाइकें लग रही है लाइन में, लाइन अप हो रही है, और इसके बाद थोड़ी बातचीत करते हैं और बाकी फिर यहाँ से फिर निकलते हैं। अगर जाते समय भी कुछ ऑफ रोडिंग होता है दिखाते हैं, सी काइंड ऑफ अच्छी मॉडिफिकेशन है। और ये वाली तो मतलब एकदम लग रहा है एकदम भाई स्पाइडर मैन का लुक दे रहा है ये, स्पेशली ये वाली चीज़, बाकी ऐसे तो स्पाइडर मैन का है ये कलर। इस तरह से यहाँ पे अपनी सारी बाइक लगी है, अपनी बाइक यहाँ पे है।